मथुरा के मशहूर हैं वही हैं जी ये है। बस इसको प्रेस किया और ये शेप में आ गया, लेकिन जायका जबान बताएगी। उसके साथ खाने के लिए जो कॉम्बिनेशन है, नाम सर मूंग की दाल है, वही जो पिट्टी होती है आज के मक्खन में, वेज हो खाना या नॉन वेज हो, सब जगह अपनी जगह बना ली है। ढेर सारा भर कर इसको लेते हैं। इनकी लस्सी भी बहुत अच्छी होती है, अभी वो भी मंगाएंगे। दूसरा गोलगप्पा मुंह में रखते हैं और कैमरा बंद करते हैं और आगे चलते हैं। ये पीतल नगरी है, ये मुरादाबाद है। आज मुरादाबाद आना था, आ गए। यूरोप में, गल्फ में बहुत सारा माल यहाँ से पीतल का जाता है। खैर, इस पीतल की नगरी में जो दुनिया का पेट पीतल से भरती है, हम आज अपना पेट भरने आए हैं। इसका फूड टूर रहेगा, शाम तक यहीं रहेंगे, नाश्ते से शुरू करेंगे और नाश्ता होगा बाबू राम की जलेबी के साथ। बहुत मशहूर नाम है, इनके समोसे और जलेबियाँ मशहूर है, दाल भी होती है, लेकिन हमें आने में अनफॉर्चुनेटली थोड़ी सी देर हो गई, तो इनके यहाँ की दाल ख़त्म हो गई है। लेकिन मुरादाबाद की मशहूर दाल हम इसके बाद ज़रूर खाएँगे। क्यों मशहूर है, कब से मशहूर है और यहाँ का क्या क्या मशहूर है, तीन चार बातें अतुल से करेंगे। अतुल अंदर दुकान पर बैठे हुए हैं, यहाँ के ओनर हैं, थोड़ी सी बात करते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हेलो सर, क्या हाल है आपके? फर्स्ट क्लास। मशहूर इतनी है ये दुकान के हमें दिल्ली तक इसकी आवाज़ आई, कब से चल रही है? सर मैं फोर्थ जनरेशन हूँ, ओवर 100 ईयर हो चुके हैं। देखिए, दो बातें जो कॉमन चलती हैं हर एक ऐसे जॉइंट के साथ जो पुराना होता है, ये एक तो जो उनकी नई नस्ल है वो पढ़ लिख कर उस काम को आगे बढ़ा रही होती है, दूसरी बात ये कॉमन होती है कि वो जो भी शख्स बैठा होता है उस सीट पर वो बड़े विनम्र स्वभाव का होता है, बहुत वेल मैनर्ड होता है। वैसे ही मुझे अतुल मिले। अतुल, आपकी क्या क्या चीज़ें मशहूर हैं? सर मेरे देसी घी की प्रिपरेशन है। अच्छा, नमकीन भी इवन हमारे यहाँ देसी घी बनता है, और सब देसी मिठाई कहना चाहिए आपको, ट्रेडिशनल स्वीट, सोन पापड़ी, बालूशाही, जलेबी, मर्ची, समोसे हमारे यहाँ की स्पेशलिटी है। अच्छा, एक दाल हम मिस कर गए, हम थोड़ा सा लेट आए, दाल की बहार जो है वो सिमट चुकी थी। खैर, उस दाल को अतुल के बताई हुई किसी न किसी जगह पर ज़रूर पकड़ेंगे। इनकी जलेबियाँ और समोसा खाते हैं और देखते हैं किस तरह बन रही है, क्या जायके हैं। आइए, जलेबियाँ बनाने का वही ट्रेडिशनल तरीका जो हमारे सारे इंडिया में हम देखते हैं, यहाँ भी उसी तरह से बन रहा है। यहाँ पर इन्होंने मुझे बताया कि इनके नमकीन भी जैसे कि वो होते हैं। अच्छा, हमने लखनऊ में एक जलेबी खाई थी नेत्राम अजय कुमार के यहाँ, बिल्कुल यही साइज़ था, यही मोटाई थी, तो मुझे लगता है कि शायद उस जैसा कोई जायका हमें यहाँ मिलेगा। मुझे जलेबी बहुत पसंद है, बाकी और मिठाइयाँ भी हैं। अच्छा, इनका समोसा जो है वो इस जलेबी के साथ हमने आज ट्राई करना है, ये समोसे हैं। अच्छा जी, इमरती है भी साइज़ छोटा है, समोसा भी एक सूटेबल से साइज़ में है, खौफनाक सा नहीं है। और उधर जो जलेबियाँ बन रही हैं वो वाकई में ऐसा लगता है कि शायद आज हमारा यहाँ का नाश्ता बड़ा मीठा मीठा होने वाला है। खैर, गोल्डन होती जा रही है जलेबी। मॉर्निंग 6 AM टू 10 PM। अच्छा, लेकिन दाल कब से कब तक रहती है? 7:30 आ जाता है वो मॉर्निंग में, और 10:30 तक रहता है। दुकान के ऊपर यहाँ ये एक वर्कशॉप है इनकी, यहाँ समोसे तले जा रहे थे, मैंने सोचा भाई जलेबी को तो पैदा होते हुए देख लिया, समोसे को भी देख ले कि किस अंदाज से बन रहे हैं। साफ सुथरा सा तेल, खूबसूरत से समोसे, साइज में सही, लेकिन जायका जबान बताएगी। जो पेड़े मथुरा के मशहूर है, मथुरा वाले पेड़े, क्या बात है। ये क्या हो रहा है जी? अच्छा, काजू बर्फी बनेगी, काजू बर्फी बन रही है, समोसे बन रहे हैं, पेड़े बन रहे हैं। भाई एक मशहूर हलवाई की दुकान है, तो यही सब चीज़ें होंगी। ये कौन सी बर्फी है अतुल जी? हाँ भाई, नवरात्रे चल रहे हैं तो उसके हिसाब से काफ़ी प्रोडक्ट बदल जाते हैं दुकानों में,
तो आजकल प्याज लहसुन भी यूज नहीं होता है, ऐसा ही है सर? ये बिल्कुल ताज़ा ताज़ा माल बनते हुए मैं आपको दिखा रहा हूँ, मुरादाबाद की बड़ी मशहूर हलवाई की दुकान से आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ की लोकल है, खास चीज़ें बनती हैं, अपने असली अंदाज पे बनती हैं। क्या बात है यार, बर्फी की शक्ल देख के दिल चाह रहा है कि कतला उठा के इसका खा लिया जाए। ये आगे जलेबी क्या रुपये किलो होती है सर? 400 रुपये किलो। 400 रुपये किलो देसी घी की जलेबी। चलिए सर, थैंक यू, इसको ट्राई कर लेते हैं। कहाँ रख के खा सकते हैं? तो ये जलेबी है, मुरादाबाद की है, बाबूराम मिष्ठान भंडार की है। चलिए साहब, तो बर्तन बाजार मुरादाबाद की ये जलेबी क्या कहती है, इसी से जानते हैं। वाह, अच्छा जलेबी जो है ना, ये हमारी दिल्ली की जलेबी से अलग किस तरह से, मैं बता दूँ। दिल्ली में जो देसी घी की जलेबियाँ मिलती हैं उनकी ये डायमीटर बहुत मोटा होता है, मोटी होती हैं, बड़ी होती हैं, वो वहाँ अच्छी लगती हैं। यहाँ पर ये अच्छी लगेगी, क्या कहती है? बिस्मिल्लाह। यार ये कमाल है, जो थैंक यू, जो जो नस्लिया चीज़ें बना बना के उम्र गुजार रहे हों, उन लोगों के यहाँ की चीज़ खाने के बाद ना आप रुक ही नहीं पाते। इतनी परफेक्शन, इतनी प्रिसीशन, इतनी क्रिस्पी, इतनी इवन इन कलर, मिठास के अंदर झांकती हुई हल्की सी खटास जो उसको खूबसूरत बना रही है। साइज़ में पतली है, छोटी है, खूबसूरत है, क्यूट है, जलेबी है, मीठी है, मुरादाबाद की है, बाबूराम हलवाई की है, बहुत अच्छी है। इसके बाद समोसे पे आते हैं। कुछ फिजिकल अपेयरेंस इसकी मुख्तलिफ वो ये है कि इसको जो यहाँ पे लॉक किया गया है, बड़ा खूबसूरत सा एक कट बनाया गया है, ये मुझे अच्छा लगा। जलेबी का मज़ा आया। खैर समोसे पे आते हैं, बहुत ही गर्म गर्म है, चटनी नहीं होती इनके यहाँ समोसे के साथ। इनका ये मानना है कि समोसे का मसाला अपने अंदर काफ़ी है, चटनी की ज़रूरत है नहीं। क्या कर देखिए, बिल्कुल भी कुछ ओवर नहीं है, बड़ी हल्की फुल्की सी चीज़ें हैं, बड़े खामोशी से आपके कान में सरगोशियाँ करते हुए जायके हैं, कोई चीख पुकार नहीं है, बहुत ठंडे ठंडे तरीके से ये आपको बताया जा रहा है कि मेरे अंदर नमक भी है, हल्के गर्म मसाले भी हैं, आलू भी है, और वो सब कुछ एक ऐसा ब्लेंड हुआ हुआ है कि आपको एक एक मुकम्मल जायका आता है जो इसको बाबूराम हलवाई का समोसा बना देता है। देसी घी में बहुत अच्छा है, ज़रूर ट्राई किया जा सकता है जब भी आए। बहुत लाइट है यार, इसको खाते हैं, ख़त्म करते हैं, और अतुल जी से पूछते हैं कि यहाँ पे वो दाल अब कहाँ मिलेगी जो हम यहाँ मिस कर रहे हैं। अच्छा जी, हरी मिर्चें भी जो हैं वो हल्की हल्की कहीं कहीं झांक रही हैं। हरी मिर्चों में ना मिर्चों के अलावा एक जायका भी होता है, वो फ्लेवर इसके अंदर महसूस किया जा सकता है। समोसा बहुत अच्छा है, 15 रुपये का है, बहुत अच्छा है। अब यहाँ से हम वहाँ चल रहे हैं जहाँ वही दाल मिलती है, सुबह बिक रही होती है, उसके साथ खाने के लिए जो कॉम्बिनेशन है वो इनकी जलेबियाँ हैं, साथ लेकर चल रहे हैं। चलते हैं दाल वाले। बाबूराम हलवाई से चंद कदम की दूरी पे वो दाल मिलती है जो मुरादाबाद के एक एक आइडेंटिटी है, यहीं मिलती है। मूंग की दाल को कुछ इस तरह प्रोसेस करते हैं, इसको पीस के सर्व करते हैं मसालों वसालों के साथ, देखते हैं। ये वो दाल है भाई जी। सर, भाई साहब आपका नाम पहले? मेरा नाम सर हितेश यादव। हितेश यादव, मूंग की दाल है वही जो पिट्टी होती है? यार ये तो बहुत ही नया तरीका है, और इसमें बस ये कुछ मसाले डालते हैं और दे देते हैं जी। नॉर्मल जलेबी के साथ खाते हैं जी? जलेबी साथ खाते हैं, लेकिन हमारी दुकान बाबूराम जी की जलेबी हम साथ लेकर आए हैं। आप दाल का एक पत्ता बनाइए। तो तय है कि मक्खन ने वेज हो खाना या नॉन वेज हो, सब जगह अपनी जगह बना ली है। हरे धनिये की चटनी, चटनी नींबू, चिली फ्लेक, ये थोड़ा जिंजर। अच्छा जी, हो गया जी रेडी जी। अच्छा, ये थोड़ा फ्लेवर मटरी का, ये मटरी डाल दी, ये लगा दिया इसमें चम्मच, लाइए साहब। थैंक यू, यू वेलकम। हितेश यादव ने जल्दी जल्दी इसमें बहुत सारी चीज़ें डाल दी। जो मेन कंटेंट है वो मूंग की दाल है, जो पिट्ठी के तौर पे लोग यूज़ करते हैं। इन्होंने उसको पतला सा पीस के यहाँ पे रखा हुआ है, उसके नीचे इन्होंने चूल्हा जला रखा है, साथ में इन्होंने चिली फ्लेक्स डाली, कुछ पीसे हुए मसाले, कुछ मक्खन, भुना हुआ ज़ीरा,
कुछ मटरी, कुछ अदरक, बहुत सारी चीज़ें एकदम जल्दी जल्दी उन्होंने इसमें डाली हैं। ऊपर से डाला नींबू, उसमें लगाया चम्मच और हमें दे दिया। पहले इसको इसी अंदाज से ट्राई करेंगे, उसके बाद इसको इसके अपने असली जलेबी वाले कॉम्बिनेशन के साथ खाएंगे, तो देखते हैं क्या कहती है। अच्छा देखिए, चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता। मैं सबसे ज़्यादा नॉन वेज खाता हूँ, वेज खा रहा हूँ तो मैं उसी से कंपेयर कर रहा हूँ इसको, वो मेरी आदत है। ऐसा लग रहा है जैसे वेज हलीम खा रहे हैं, बिल्कुल वही उस टाइप के फ्लेवर आ रहे हैं, उस टाइप की खुशबू आ रही है, लेकिन अच्छा है, ज़बरदस्त है, हल्का है। अब जो इसमें एक फ्यूजन होने जा रहा है वो है मीठे और नमकीन का। लोग इस मीठे और नमकीन का कंट्रास्ट खाते हैं तो उनको कैसा मजा आता है। आहा, अरे बहुत कंट्रास्टिंग है, मीठी तरीन चीज है जलेबी और इसमें मसाले और नमकियात सब कुछ है, और वो दोनों एक साथ क्या चीज बनेगी का? तो ढेर सारा भरकर इसको लेते हैं। अब इस एक निवाले के अंदर जलेबी की मिठास है, चटनी की खटास, तुर्शी है, नमकियात है, मसाले हैं, जीरा है। पूछते हैं अपने स्कैनर से कैसा है। ये स्कैनर है हमारी जबान। हुआ क्या है, आखिर में जलेबी जीत गई। शुरू में सबने अपनी अपनी कोशिश करी, कुछ दाल ने अपना मज़ा दिखाने की कोशिश करी, कुछ मसालों ने कहा कि हम भी हैं, लेकिन जैसे ही दांतों के बीच में जलेबी चबाई गई, उसका शीरा जैसे निकल कर सारे मुँह में बह गया, तो उसके बाद जलेबी जीत गई। बाकी सब चीज़ों का मज़ा थोड़ा सा पीछे रह गया, तो मेरे ख्याल में इसको अकेले ही खाना चाहिए। बिस्मिल्लाह, बहुत ज़बरदस्त है, और इसमें जो इन्होंने ये मट्टी जो तोड़ कर डाली है, इससे और मज़ा आ रहा है। मेरे लिए तो बहुत नई चीज़ है, नए जायके जब ज़बान पर जाते हैं ना, तो नए जल तरंग बजते हैं ज़बान के सेंसर्स में, वो हुआ आज। कितने बजे लगाते हैं सुबह? सुबह 7 बजे लगता है डेला। अमरोहा चौराहा, अमरोहा गेट का चौराहा, अमरोहा गेट का चौराहा है। इस चौराहे में कोने में यादव जी खड़े हुए हैं, हितेश यादव जी, अपनी बिल्कुल सादगी वाली भी एक दाल लेकर, बड़ी खूबसूरत से जायके हैं, सौंधी सौंधी उसकी खुशबुएँ हैं, जब आप खाएंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। बहुत अच्छी है आपकी दाल। सर कितने साल हो गए आपको? सर ये पहले हमारे फादर का काम था, 36 साल के करीब हो गए हैं। इस सादा सी दुकानदारी पे भी नस्लें बदली जा सकती है। मिसाल आपके सामने है, पत्ता फिनिश करते हैं और आगे देखते हैं किस किस चीज़ पर मुरादाबाद के अंदर हमारी कुदरत ने मोहर लगा रखी है। अहमदाबाद का ये सुबह सुबह का हमारा फूड का सफर जारी है, बाबूराम की जलेबी और समोसे, हितेश यादव की मूंग की दाल। अब हम आए हैं बुध बाजार। बुध बाजार में शंकर के छोले भटूरे बड़े मशहूर हैं, तो जो लोकल चीज़ें जो मशहूर हुई हुई होती हैं, कहीं पर भी जाएं तो वो ज़रूर खा लेनी चाहिए। शंकर के छोले भटूरे देखते हैं कैसे बन रहे हैं, अंदर कौन बैठा है, आइए बात करें। अच्छा, ये आलू भी देते हो भटूरे के साथ? आलू, अचार, प्याज। इंतहाई गर्मी यहाँ पर, बहुत ह्यूमिडिटी भी है, लेकिन जब जायका लेना होता है तो ये सब चीज़ें दरकिनार हो जाती हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं, और सुबह से हम नाश्ता कर रहे थे यहाँ पे, होते होते अभी 2 बजने वाले हैं। इनकी लस्सी भी बहुत अच्छी होती है, अभी वो भी मंगाएंगे। पहले फ़िलहाल खूबसूरत से भटूरे का इजरा करते हैं। आहा, भटूरा ऐसा ही होना चाहिए कि बिल्कुल हल्का फुल्का सा हो, काले काले से जो चने हैं, ऐसा लगता है कि शायद जायके में अच्छे रैपअप हुए हुए हैं। आहा, इन्होंने साथ में दिए इसके ये छोले,
आलू की सब्जी भी है वैसे इनके यहाँ, आलू पूरी भी होती है। शंकर स्वीट्स के ये छोले भटूरे ऐसे हैं कि अगर मैं मुरादाबाद के आसपास से कभी गुजरा तो शायद ये खाता हुआ ही गुजरा करूँगा। बहुत मज़े के हैं, चने दिखने में गुस्से वाले हैं लेकिन नरम मिजाज हैं, बिल्कुल नॉर्मल सा मसाला है। और ये जो भटूरा है इसकी स्पेशलिटी है कि ये हल्का है और क्रिस्पी है और इसकी शेप बड़ी प्यारी है यार। देखो पहले आँख ही खाती है ना, तो आँखों ने शेप खाई, नाक ने खुशबू सूंघी और ज़बान बताएगी जायका, तो तीनों चीज़ों में लगभग पास है। भटूरे के साथ आलू का कोई कॉम्बिनेशन है नहीं, आलू पूरी के साथ चलते हैं और छोले भटूरे के साथ, लेकिन जब सामने आए हैं तो ज़रूर कोई ना कोई रिसर्च, कोई प्रैक्टिस होगी, खाकर ज़रूर देखेंगे क्या कहते हैं ये आलू भटूरे। इस कॉम्बिनेशन में बड़ी खामोशी है, कोई आवाज़ नहीं है, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस है। अगर आप आलू के साथ भटूरा खाते हैं साइलेंस मिलेगा, अगर आप छोले के साथ भटूरा खाते हैं वहाँ खुशियों की कुछ आवाज़ें नज़र आएंगी जो कि इसका असल कॉम्बिनेशन है। तो मेरे ख्याल में भटूरे छोले ही के साथ खाने चाहिए, छोले भटूरे अपने अंदर कंप्लीट हैं, दोबारा आकर खाए जा सकते हैं। फुल प्लेट 110 की है, हाफ प्लेट 60 रुपए की है, लस्सी 45 रुपए की है, सब कुछ एक अच्छा सा पैकेज है। ये खाइए, ये पीजिए और उसके बाद बेड पकड़िए और सो जाइए। तो ऐसा ही हम भी करते हैं, शाम तक के लिए इजाज़त दीजिए, शाम को दोबारा बात करें। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। तो बस हम तो लोगों के मशवरे पे चल पड़ते हैं सर, तो मशवरा था कि यहाँ आना है तो आ गए। सर ये मेरे फादर का एस्टेब्लिशमेंट है आज़ादी से पहले का, उसके बाद 84 से जो है ये मैं अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद इसको चला रहा हूँ। मैं ज़्यादातर वीडियो में ये बात कहा करता हूँ कि जब अपने पुरखों के काम को नई नस्ल एजुकेटेड होकर आगे लेकर चलती है तो शंकर स्वीट्स बन जाता है। थैंक यू सर, बहुत अच्छे थे आपके छोले भटूरे, बड़ी सादगी थी उनमें। बहुत बहुत शुक्रिया तेजस्वी जी, आपने वक्त दिया, थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर, धन्यवाद। शाम में कुछ और जगहें देखेंगे और उसके बाद आपसे बात करेंगे। फिलहाल यहाँ मुझे यानी मोहम्मद याह्या को फूड बाजार मुरादाबाद से इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जब आप मुरादाबाद में हों और दशहरे के दिन चल रहे हों तो मुरारी चाट भंडार पर आप खुद बहुत पहुँच जाते हैं, हम भी इसी तरह से आ गए। आज यहाँ के चीज़ें चखेंगे, चीज़ें बहुत हैं। यहाँ के पनीर के पकौड़े बहुत मशहूर है, यहाँ की आलू की टिक्की बहुत मशहूर है, यहाँ के गोल गप्पे, यहाँ के भल्ले पापड़ी, मतलब आप गिनते जाइए और यहाँ वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। मुरारी चाट भंडार पर हूँ, गुरहट्टी चौराहा का ये एरिया कहलाता है। मुरारी चाट भंडार पूरे मुरादाबाद में एक ही है, किसी से भी कहेंगे लाकर छोड़ देगा। फिलहाल अंदर चलते हैं, देखते हैं किस तरह की रौनक लगी हुई है। दशहरे का पूरा असर यहाँ नज़र आ रहा है, चलकर देखते हैं खाने को क्या है वो भी देखते हैं। तो इस चलकर देखने में, इस चाट टिक्की पकौड़ी में साथ रहिएगा। कांता प्रसाद जी यहाँ बैठे हैं, इस शॉप के ओनर हैं। सर बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपका नाम बड़ी दूर तक है, हम दिल्ली से सुनते सुनते यहाँ तक आ गए। सबसे ज़्यादा क्या पसंद करते हैं लोग? हमारे यहाँ चाट ही फेमस है, टिक्की है, दही भल्ला है, गोलगप्पे हैं, पनीर पकौड़ा है, पापड़ी चाट है, दादाजी के ज़माने से चला था। अच्छा, कांता प्रसाद जी बहुत बिजी आदमी है, बड़ी मुश्किल से 2 मिनट उनके मैंने खींच पाया। टिक्की वाला खाकर देखते हैं रौनक किस लिए लगी हुई है। तेज़ी से पैक हो रही है, तेज़ी से लोगों को खाने के लिए भी जा रही हैं, बहुत एक गहमा गहमी है। और ये दशहरे के दिन है, इन दिनों में इस आइटम पर, इस चाट पकौड़ी पर
बहुत ज़्यादा रस बढ़ जाता है, कुछ इसके अंदर जायका भी बढ़ जाता है। उसका सर यहाँ साफ देखा जा सकता है, एक के बाद एक चीज़ें लोगों की तैयार हो रही हैं और हम इसका बहुत बिजी काउंटर के अंदर हैं। एक पीस टिक्की का ले लीजिए, एक पीस दीजिए, एक पीस, और एक पीस जो है इनका पापड़ी का ले लीजिए। एक टिक्की लगा दो नॉर्मल वाला, कौन सा बाहर जल गया भाई वाला, जो नॉर्मल है आपका वही तुम्हारा चलता है आपसे। अपेरेंस बड़ी मुख्तलिफ सी है, जो अमूमन दिल्ली में टिक्की खाया करते हैं उससे काफ़ी अलग सी है। इसमें इन्होंने दही बहुत ज़्यादा डाला हुआ है, लाल और हरी चटनी के साथ दिल्ली में हमारी टिक्की आती है, ये अलग है क्योंकि ये दिल्ली नहीं है, मुरादाबाद है। देखते हैं खाकर, एक बार और ले लूँ फिर बताऊँगा। काफ़ी मज़े की है, खामोशी से बता रहा हूँ, ज़रूर खाइएगा अगर यहाँ पर आएँ तो। बहुत मुख्तलिफ है, जितनी गरम गरम कढ़ाई में से निकल के आई थी ना, इस दही ने सब उसको नॉर्मलाइज कर दिया और आप खाएंगे तो मुंह आपका इसको जल्दी से एक्सेप्ट कर लेगा। मज़ेदार है, क्रिस्पी है, लेकिन दिल्ली की टिक्की से अलग है। अब इसके बाद दोबारा टिक्की से आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी काम करते हैं। हम पनीर के पकौड़े, वो भी बहुत मशहूर है इनका, खा कर देखते हैं। क्या है? ग्लोबल सेंटर। वो जो सबसे छोटी है वो चैनल का नाम पूछ रही है। बज़ाहिर सिंपल सा है लेकिन फ्रेश फ्रेश सा नज़र आ रहा है। जब आप दो तीन चीज़ें कर लें, चीज़ रोज़ फ्रेश बने, क्वालिटी की सही हो, बनाने का तरीका आता हो, उसके बाद जब पनीर का पकौड़ा निकल कर आता है तो मुरारी चाट का पनीर का पकौड़ा बनता है, बहुत अच्छा है। इसको फिनिश करते हैं, गोलगप्पे खाते हैं। सबके आनी चाहिए, लाओ ये लाओ, बिस्मिल्लाह, थैंक यू। ये कौन सा है? ये खट्टा मीठा है आटे का। चैनल के नाम है ग्लोबल सेंटर। यार ये बहुत बड़ा है यार। एक ख़ास बात ये है मुरारी चाट की कि यहाँ पर आने के बाद आपको एक ऐसा स्कैनर मिल जाता है कि हर वो चेहरा सामने आता है जो इस छोटे से शहर में चाट का शौकीन हो, क्योंकि सारे यहीं आते हैं। मेरे साथ भी कुछ खड़े हुए हैं, बड़े खूबसूरत से चेहरे हैं। भाई साहब का दिखाओ, आपका नाम? ज़ीशान अहमद। अभी मैं कह रहा था कि इंतहाई गैर महज़ब चीज़ है ये खाने की, क्या करें, खाएंगे? बिस्मिल्लाह। एक ही ख़ास बात है, इनका ये जायका जो है सटल है, बहुत चीखता पुकारता नहीं है, आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा, आपको इस बात के लिए उकसाएगा कि आप दूसरा भी खाएँ। मैं उसी ट्रेंड पे जा रहा हूँ, दूसरा गोलगप्पा मुंह में रखते हैं और कैमरा बंद करते हैं और आगे चलते हैं।